हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरा व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ बिकॉज नेटवर्क नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो अगर ऐसे ही रहा तो ये 10 बजे तक भी अपलोड नहीं होगा और लाखों लोग वेट कर रहे, तो मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है। वाईफाई है नहीं यहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ, चल ही नहीं रहा नेट, सुबह से लगा रखा अपलोड पे। फिलहाल तो यहाँ छत पर आया हुआ हूँ, टॉप पर बिल्कुल, यहाँ से भी थोड़े बहुत नेटवर्क आ रहे हैं, देखते कब तक अपलोड होता है। तो गाइस, छत पर देखो ओरियो जैसा सेम छोटा सा। ओए सोफी, इसको ओरियो से मिलाना पड़ेगा। तो मैंने पीयूष से फ़ोन और लैपटॉप मंगाया था, डिस्क्रिप्शन थंबनेल वगैरह लगाते हैं। चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। कहाँ रखूँ इसको मैं? कुछ कपड़ा अपना ले आऊँ? कपड़ा ले आओ। हाँ, थैंक यू कपड़ा लाने के लिए। वेलकम। 848 हो गए एंड 98% हो गया, सिर्फ 2% रह गया। 98 पे अटक गया यार, ये 2% ही नहीं हो रहा। अपने पास टाइम कितना है? अपने पास सिर्फ 11 मिनट है। स्ट्रगल ऑफ ए व्लॉगर, मतलब 6 बजे से बैठा हूँ मैं यहाँ, 9 बज गए, 3 घंटे से बैठा हूँ। देखो गाइस, एक स्ट्रगल ऑफ ए व्लॉगर कैसे बैठे हैं पूरे 9 बजे। अब चैन आएगा, अब जाके मैं ब्रश वगैरह करूंगा। मैंने सुबह उठते आ गया था, बस मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं करा। क्या बना रहे हो? मैगी? सुबह सुबह मैगी? सारा काम तो हो गया, अब जल्दी से नहाते हैं। यहाँ मेरे पास बाल्टी है, साबुन है, टॉवल है, ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर नहाने में ना अलग ही फील आता है, इसीलिए मैं तो यहीं पर खुले में मज़ा आता है ठंडे ठंडे पानी से। तो अभी पूरी फैमिली अच्छे से रेडी हो चुके हैं बिकॉज आज भी हम जा रहे हैं मंदिर, दूनागिरी मंदिर, काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का। इतने सब आ रहे हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तो अभी सारे गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड आज दादाजी भी जा रहे हैं मेरे साथ में। फिर मैं उधर होती हूँ, खींचोगे इसमें डाल दो, खींच दो इसको, खींच दो इसको ना ऐसे। अच्छा, ऐसे इसको ऐसे। अच्छा, अगर झटका लगेगा तो फिर लगेगी नहीं ना। शुभ यात्रा, शुभ यात्रा, शुभ यात्रा। तो अभी जाने से पहले एक बार डीजल फुल करा लेते हैं। तो गाइस, यहाँ से रास्ता देखो कितना खतरनाक है, पूरा मोड़ ही मोड़ है यहाँ से। तो इस तरह से इस रास्ते में पहली बार लेके जा रहा हूँ, यहाँ से डर लग रहा है। विश्वास टू यू दादाजी, आपको कुनाली कुछ नहीं, क्या अंगूठा चूस रहे? तो अंगूठा की चूस रहे रे? ये देखो उल्टी के डर से यहाँ पे ये बिछा रखा है, अगर उल्टी करेगा भी तो सीधा इसके ऊपर आएगी, क्योंकि कल इसने कर दी थी। तो भी कुनाली को उल्टी आ गई थी तो वो पीछे चला गया, पीयूष आगे आ गया। और ये देखो, और भी खतरनाक मोड़ भाई साहब, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही है। अब यहाँ से हमको जाना है अभी, बाकी मजा आ रहा है पूरी फैमिली के साथ में। 18 किलोमीटर बाकी है, 33 मिनट दिखा रहा है ये। तो अभी पहला ब्रेक लिया है हमने यहाँ पे, क्या मस्त थी ना यहाँ पे देखो। ओए गुफा, चल के देख के आते हैं। ओ भाई साहब, कोई ना कोई तो रहता होगा इसके अंदर, चलिए इसके अंदर। रात को रहता होगा यहाँ बाघ, रात को रहता होगा, अभी तो वो शिकार की तलाश में गया होगा ना। पत्थर देख कितना बड़ा है यार ये, रात को जाता होगा पक्का इसके अंदर बाघ। तो अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं दूनागिरी टेम्पल की साइड, वो बिल्कुल टॉप पे है टेम्पल। यहाँ पे जो भी टेम्पल रहते हैं सारे टॉप पे रहते हैं। बाकी एक अलग ही फीलिंग आ रही है, पूरी फैमिली को लेके आए साथ में, दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, कुनाली भी हैं, पूरी हमारी फैमिली। कुनाली तो गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गया। फिलहाल यहाँ फोटोशूट चल रहा है पूरी फैमिली का। तो अभी मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ चुका हूँ और ये गाड़ी ढम ढम आवाज चल रही है, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। सो यहाँ से व्यू मस्त आ रहा है, बिल्कुल इतनी ऊंचाई से मस्त व्यू आ रहा है। तो अभी गाइस पहला वाटरफॉल मिला हमको, ठंडा है। तो अभी गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बस तेज ना होनी तो कल की तरह हो जाएगा काम। कल भी हम मंदिर पहुंचने वाले थे और बारिश स्टार्ट हो गई थी, आज भी 1 किलोमीटर बाकी है बस यहाँ से। और सच्ची में तेज हो गई, भगवान ने हमारी सुन ली, वो सच्ची में तेज होगी भाई। भगवान जी ने सीरियस ले लिया, क्या करे बताओ, उतरना है। चलो देखी जाएगी, चलो तो यहाँ से काफी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हमको ऊपर जाना है मंदिर में, बिल्कुल टॉप पे। वहां से व्यू काफी मस्त है और मंदिर भी काफी पॉपुलर, काफी मस्त है। अच्छे से प्रॉपर से टीन से ढक रखा ताकि पानी ना आए, देखो। घंटी बाज रखी है पर कोरोना
अच्छा कोरोना की वजह से सारी घंटियां बांध रखी हैं देखो, ताकि कोई बजा ना पाए। ओलू सौदा आ गए हैं। यहाँ पे जाने से तो हवा टाइट जा रही है भाई, मैं तो भाग रहा हूँ। इसलिए जो थक जाए उसके लिए यहाँ पे ये बेंच भी लगा रखा है, यहाँ बैठ सकते हैं। बहुत सारी सीढ़ियां हैं यहाँ तो मैं और नहीं जा पाऊंगा। जा पाओगे तो कैसे जाएगा? और गोदी, ये देखो गोदी कह रहे बहुत सारी सीढ़ियां, मैं नहीं जा पाऊंगा। बड़े तेज हो रहे हो। तो गाइस अभी तो हमने बिल्कुल थोड़ी सी सीढ़ियां करी है, अभी तो बहुत सीढ़ी करनी है, तो इसी में ही हवा टाइट होगी। हेलो थकान लग रही है? नहीं नहीं तो भागो मेरे। बहुत चल ली भाई, अपने अराउंड 200-300 कर लिया अपने। 200-300 हो गई आराम से भाई। कितनी सीढ़ियां हैं? मेरे को पसीना भी आ गया है, बहुत होंगी भाई, 500 से ज्यादा हैं। और साइडों में आ रही है बारिश। मम्मी अम्मा और चाची पीछे रह गए तो उनका वेट कर रहे हैं फिलहाल। अम्मा थके? नहीं तो नहीं थके। मम्मी जी आपको थके? मम्मी थक गई, मम्मी का थोड़ा ओवर वेट है ना इसलिए। कोई नहीं रुक जाओ फिर। हेलो इतनी एनर्जी कहाँ से आई आप में? मैं सब कुछ खाता था, टिंगरा सा। कहाँ जा रहा है? तो अभी पहला स्टेशन आ चुका है, यहाँ बैठने का भी है, फिर यहाँ पे रुक सकते हो, रुकना चाहो तो। इसके बाद फिर यहाँ से रास्ता दोबारा शुरू। मम्मी जी को पसीना ही पसीना हो चुका है, मम्मी बहुत थक गए। यहाँ से रास्ता चेंज हो चुका है, यहाँ से जाने वालों के लिए, यहाँ से आने वालों के लिए। सो अब भीगते भीगते जाना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर से टीन जा चुके हैं, पेड़ है यहाँ पे, पेड़ में से मोटी मोटी बूंदे आएंगी। अब गीला रखा है तो फिसलने की, फिसलने अन्नू यहाँ पे फिसल सकते हैं, भागो मत। सो अब यहाँ से जूते चप्पल उतारने का आ गया है, अब आगे नंगे पांव जाना पड़ेगा। ये गए इसमें, अब चलते हैं आगे को। दोनों ब्लॉग कर रहे हैं। मैं बड़ी मी वाला आईफोन कभी तो काम आया। चलो बाय द वे, हमने शूज वगैरह यहाँ डाल दिए। चेस खेलना है? चेस खेलते हैं। चलो चलो मैं इधर, चलो आप बताओ। रियल लाइफ चेस खेलते हैं। मैं वजीर हूँ, काटू तेरे को? काट दूँ? मेरी बारी है, मैं वजीर हूँ, काट दूँ? मैं रानी हूँ ना। अरे मैं पहुंच ही नहीं पाया, भाई गिर जाएगा। पहले ना मैं यहाँ पर अपनी एक स्कूल ट्रिप के साथ आया था, सो तब मैं बहुत छोटा था, तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई है। यहाँ पर एक एरिया था, यहाँ पर एक झूला था, एक फाउंटेन था, तो मेरे को इतना ही याद है कि वहाँ पर एक झूला और फाउंटेन था, तो अब दिख ही नहीं रखा है, उसका तो पता ही गुल हो गया। तो गाइस आसपास लिटरली कुछ दिख ही नहीं रहा है, आसपास के पहाड़ व्यू कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरा कोहरा हो गया यहाँ पे। मैं आसमानों की चाहिए, मेरी चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा, कुछ वही वाला सीन हो गया। तो अब हम आपको व्यू नहीं दिखा पाएंगे यहाँ से, काफी प्यारा व्यू था बट कोई बात नहीं। लेकिन ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम व्हाइट व्हाइट है ना चारों साइड। ये मंदिर है, यहाँ पे पूजा कर ली हमने अच्छे से। सो गाइस अभी पूजा करके नीचे आ गए हैं, काफी अच्छा मंदिर था, तो वहाँ शूट करना अलाउड नहीं था, तो हम नीचे आके शूट कर रहे हैं यहाँ पर। सो काफी अच्छा लगा वहाँ, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा मन को काफी अच्छा लगा। कहाँ लग रही है ठंड? बट ठंड हो रही है, बट लग नहीं रही मेरी टोपी पहन हो रही है बट लग नहीं रही। ये वाला पेड़ देखो गाइस काफी मस्त लग रहा है, अजीब से पत्ते हैं इसके। अच्छा ये इस पेड़ के पत्ते नहीं है? ये जो पत्ते है ना, ये इस पेड़ के पत्ते नहीं है, इस पेड़ के पत्ते तो देखो ऊपर है अलग से, मोटे मोटे से, मतलब ये पेड़ के ऊपर अलग से कोई पेड़ उगा हुआ है पत्ते वाला। इधर सारे ऐसे ही हैं देखो। क्या हुआ? ये नहीं हो रहे, नहीं तो इनका सफेद होता है ना पीछे से, फिर हम ऐसे करते थे, यूं करके इसका छप्पा लगता था पूरा, जैसे हम लगाएंगे। अच्छा पूरा छाप जाता था, इसमें नहीं हो रहा है, धुल गया पानी से। अच्छा पानी से धुल गया। साइड है ना जो पीछे की, ये पीछे की, इसमें कुछ लगा रहता है, सफेद होता रहता है। अगर इसको हम ऐसे छापते थे ना, ये पूरा छप जाता। पानी पियो, पानी पियो, नहीं पी रहा। और पी लो, चल इससे ले जल्दी। क्या ऐसे लेके चलोगे? मम्मी को देखो। और देखो पानी हाथ में लेके चल रही है, पैर गीले हैं मेरे, सॉक्स गीले हो जाएंगे। एक छोटा सा क्यूट सा पार्वती है यहाँ पे देखो, कुनाली ऐसे झूल रहा है, खड़े हो गए वो भी, वाह गीला है ना। सो गाइस अभी चलते हैं घर को वापस, और काफी मजा आया यहाँ पर, और भूख भी लग रही है। कुनाली क्या चाहिए? दूरबीन से क्या करेगा? देखूंगा। सर इसको दूरबीन चाहिए। दूरबीन कह रहे, दूरबीन से देखूंगा। खिड़की में देखेगा? किसकी खिड़की में जाके कर रहे? सर तो पता नहीं पहले ही नीचे चले गए, वो नीचे ब्लॉग बना रहे होंगे, मैं ऊपर बना लेता हूँ। किसने दिलाया? पूजा
पता नहीं, सुबह यहाँ से नीचे जा रहे हैं ना तो यहाँ पर थक नहीं रहे, बिकॉज नीचे है तो दम नहीं लग रहा, आराम से जा रहे हैं। तो अभी हम ओरियो को लेके पहुँच चुके हैं नीचे, बहुत भूख लग रही है, सुबह थोड़ी सी बस मैं ही खाई थी मैंने तो फिलहाल अब कुछ खाएंगे यार। सबसे पहले तो इसको खाना है, तो मैंने तो मंगाए थे छोले समोसे जो कि आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम नीचे आए, ये देखो बुकड़ों की तरह भाई, हमको हमारे लिए भी ऑर्डर करो, 3 छोले समोसे और 3 चाउमीन कर दो। मम्मी ने मंगाई है अपनी फेवरेट चाउमीन। अम्मा आप क्या खाओगे? चाउमीन। चाची आप अभी? ये देखो इसने क्या लिया है, बच्चों वाली हरकतें। तो खा पी के आ गए मस्त छोले समोसे, पहाड़ के छोले समोसे ना अलग ही टेस्ट आता है। तो फिलहाल अब मैं आ गया हूँ, वैसे बारिश तो रुकी नहीं है, गाड़ी ले जाते हैं वहाँ तक। एक बात सही है, यहाँ पे रोज बारिश होती है मस्त वाली और गाड़ी अपने आप मस्त धुल जाती है। फिलहाल चलते हैं, फॉग हो रहा है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो अभी सारे प्रवेश कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, अभी अभी जस्ट हम निकले थे, मौसम खुल गया है और सामने देखो कितना मस्त लग रहा है, पूरे पहाड़ पे बादल ही बादल हैं। तो भाई सामने कोहरा ही कोहरा हो रहा है, तो संभल के चलानी पड़ेगी, कुछ दिख भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, लिटरली वीडियो में तो फिर भी दिख रहा है लेकिन रियलिटी में बहुत कम दिख रहा है, तो काफी स्लो चला रहा हूँ मैं। तो अभी हम पहुंचने वाले थे, यानी कुछ सब्सक्राइबर्स मिले, इन्होंने रोका हमको, मतलब हम पुल क्रॉस करने वाले थे, इन्होंने हाथ दे दिया रुको रुको रुको, गाड़ी के आगे आ गए तो सारे के सारे ऐसे मत आया करो यार, सारे फोटो लेनी थी आपके, बाहर आ। तो फाइनली घर पहुंच गया और आज जल्दी पहुंच गया, 5:30 ही हो रहे हैं अभी। तो अभी अम्मा ने यहाँ पे धुआं कर दिया है ताकि मच्छर ना लगे गाय को, वैसे मच्छर मुझे लग तो नहीं रहे, यहाँ पे मच्छर हैं तो नहीं। अम्मा देखो सही मस्त काम करती है, खेत का भी गाय का भी घर का भी सब। तो अभी टाइम हो गया है 6:40 एंड सुबह जहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया था अभी मैं वहीं पे खड़ा हूँ। वो देखो साहिल एंड पीयूष पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे, इतनी दूर है ना वो हमसे, फिर भी जूम करके साफ दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ कितनी दूर है, ये देखो कितनी दूर है, वहाँ पे ग्राउंड है यहाँ का, आई थिंक साहिल स्टंट कर रहे हैं, हाँ स्टंट कर रहे हैं, चलेंगे वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कभी मैं, लेकिन वो बहुत दूर है यहाँ से, इन खेत को क्रॉस करके जाना पड़ता है वहाँ पे, वहाँ हम क्रिकेट खेलते थे पहले, रोड से भी जा सकते हैं। तो अभी है डिनर टाइम और आज बना है भिंडी रोटी। तो अभी टाइम हो रहा है 10:17, ब्लॉग मेरा एडिट हो चुका है, काफ़ी जल्दी एडिट तो हो गया, बस अपलोडिंग की प्रॉब्लम है जिसकी आपने देखा स्टार्टिंग में, अगर ब्लॉग लेट आए तो समझ जाना कि नेटवर्क इशू था, बाकी मैं तो अपलोडिंग में लगाया था, मैं तो रात को लगा देता हूँ, देखते हैं जब तक अपलोड होगा। फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अब कैमरे की नजर में एकरी पे फूल से पौधे से छेड़छाड़ी ना करें, ठीक है सरदा, कैमरे की नजर में है वो, ठीक है तू कर दे छेड़छाड़ी ना, कि क्या मैं यहाँ फूल फाल है ही नहीं हाथ लगाने के लिए।